फ्रेंड्स, आज मैं प्रोटीन से भरपूर रेसिपी बता रही हूँ और ये है ब्राज़ील नट्स जो अमेज़ोन में मिल जाएगा या बड़ी किराना की स्टोर होते हैं उसमें मिल जाएगा। और ये अखरोट जैसा दिख रहा है वो पीकन नट्स है, वो अखरोट नहीं है मगर टेस्ट अखरोट के जैसा होता है। ये सब नट्स मैंने थोड़े से घी में रोस्ट कर लिए है, एकदम धीमी आँच पे कर लिए है। जो बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, काजू लिया है, पीकन नट्स है, ब्राज़ील नट्स है और सीड्स है सब, वो भी आपको दिखाती हूँ आगे में। ये तीनों सीड मैंने ले लिए हैं। इसमें पम्पकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है और सनफ्लावर सीड्स है। इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है। और एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है और धीमी आंच पे हम उसको रोस्ट करेंगे। एकदम धीमी आंच पे करना है, स्लो आंच पे रोस्ट करने से वो बीज जो होते हैं सीड्स वो जलते नहीं है। और ज़्यादा आंच रखेंगे तो अंदर से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो स्लो आंच में क्या है, अच्छी तरह से सिक जाएंगे और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। और देखो धीमी आंच पे सिकना शुरू हो गया और देखो जरा सा ब्राउन कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन हो जाए तब तक के लिए हमें उसको रोस्ट करना है और धीमी आंच ही रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। और ये रेसिपी हम बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या हम औरतों के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है। बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो उसको कुछ अलग तरीके से बना के देते हैं तो खा लेते हैं। और यहाँ मैंने किशमिश और काजू भी रोस्ट कर लिया है और ये काली द्राक्ष है उसको भी रोस्ट कर लिया है। एंड तक देखना पूरी रेसिपी आप। और यहाँ बाउल में मैंने एक चम्मच घी ले लिया है और ये जो नट्स हमने पहले रोस्ट किए थे उस सबको मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी, उसको कूटना है हमें। और पूरी तरीके से भी कूटना नहीं है, मोटा मोटा सा रखना है, जो दरदरा या छोटा छोटा पीस हो जाए ऐसा कूटना है। ये देखो ऐसे पीस करने हैं। और इसका हम चिवड़ा बनाएंगे, ड्राई फ्रूट चिवड़ा। और चिवड़े के लिए हमने इसमें बाउल में घी लिया है और राजगरा का सीड्स लिया है, जो राजगरा होता है उसका। और एक चम्मच हल्दी डालनी है हमें, और ये हल्दी सीड्स और घी तीनों को धीमी आँच पर हमें रोस्ट करना है। और पूरी तरीके से नहीं रोस्ट करना, थोड़ा थोड़ा कच्चा पका ही रखना है इसको। और यहाँ देखो ये सब घुल गया है और रोस्ट हो गया है अच्छी तरीके से, देखो बहुत अच्छे से हो गया है ये। और इसमें हम सब ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने रोस्ट किया है, ये काजू और किशमिश, काली द्राक्ष सब डाल दिया है मैंने। और यहाँ बादाम और सब सीड्स थे हमारे वो भी डाल दिए हैं और आधा रखे हैं, आधा सब ड्राई फ्रूट डाले हैं। आधे की हम बाद में रेसिपी कुछ अलग दिखाऊंगी मैं आपको। और ये चेवड़ा बन रहा है और ये काला नमक और जलजीरा डाला है मैंने, और ये शुगर, पीसी हुई चीनी और चाट मसाला और काली मिर्च वो भी डाली है मैंने। और इन सब को भून लिया है और अच्छे से मिला के इसको मिक्स करके रख देना है, बच्चे लोग अच्छे से खाएंगे। वैसे तो बच्चे लोग ड्राई फ्रूट नहीं खाते मगर ऐसे करके रखेंगे तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से शौक से खाएंगे और टेस्ट में भी उसको अलग मिलेगा। तो ऐसे कुछ भी करके ड्राई फ्रूट बच्चों को खिलाना है तो ऐसा चिवड़ा बनाने का, और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। और देखो ये चिवड़ा हमारा बन गया है और इसमें मैंने डाल दिया है, देखो ये हमारा चिवड़ा रेडी है। और आगे हम और रेसिपी देखते हैं। और सीड्स मैंने कूटने के लिए ले लिया है और सब ड्राई फ्रूट जो बचे हैं वो सब हम कूट लेंगे और मोटा मोटा कूट लेंगे, वो एकदम बारीक नहीं करना है। पीकन नट्स मैंने इसमें ही डाले हैं जो प्रोटीन बार बनाते हैं उसमें, क्योंकि चिवड़ा में नहीं डालते, बच्चों को अच्छा नहीं लगता।
और प्रोटीन बार में पीस कर डाल देते हैं तो उसको पता भी नहीं चलता, खा जाते हैं तो भी नहीं पता चलता। अब ये ड्राई फ्रूट हमने कूट लिया है और मोटा रखा है, सब ड्राई फ्रूट मोटा दरदरा सा रखा है। और ये सब मटेरियल आपको दिखाऊंगी। और ये नीचू देखो वेटिंग में खड़ी है। और ये देखो हमने चॉकलेट पाउडर लिया है, कोको पाउडर, और ये कोकोनट का बारीक छीण है। और ये सब ड्राई फ्रूट हमने जो कूट लिए वो, और ये खजूर मैंने बाउल में ले लिया है। और 3-4 चम्मच घी डाला है, उसको मैश करना है, एकदम मावा जैसा बना लेना है। और देखो ये खजूर भी अच्छी तरह से घुल गया है, गल गया है। इस मावे को हम ऐसे ही रखेंगे और सब ड्राई फ्रूट जो हमने कूट लिए है वो धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि खजूर कम है और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और देखो कोकोनट भी डाल दिया है मैंने, और कोको पाउडर है वो डाल रही हूँ मैं अब। ये देखो अच्छे से सब डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि इस आसान तरीके से तो मिक्स होगा ही नहीं। बहुत मिक्स करने के बाद इसको एक डिश में रख दूँगी। और 2 चम्मच पहले मैं हनी डाल रही हूँ। और एक रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, ये रेसिपी मैं चॉकलेट की बना रही हूँ। एक चॉकलेट लिया है डार्क चॉकलेट और एक मिल्क चॉकलेट लिया है, उनमें से दो एक एक पीस निकाल के उसको स्टीम करना है। स्टीम कैसे करना है, एक बाउल में पानी लेना है, गैस पे रखना है और उसके ऊपर उससे बड़ा थोड़ा सा बाउल हो ऐसा हमें चॉकलेट रखनी है। ये स्टीम होती है तब तक हम जो कल रेसिपी बनाई थी ये प्रोटीन बार बनाया था उसका चूरा कर लिया है मैंने, एकदम चूरा करना है। ये चूरा करके मैंने और साइड में एक डिश में मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। डिश हो या कोई ट्रे हो या थाली हो, कुछ भी चलता है। और ये देखो हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है, एकदम लिक्विड टाइप होना चाहिए। चॉकलेट मेल्ट तो हो गई है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छी से मिक्स करेंगे और इसे इसे करके घुमाएंगे, यानी दोनों चॉकलेट मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसमें हम जो हमने जो चूरा किया था वो डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। देखो कि चूरा हमने डाल दिया है इसमें, और इसको मिक्स करके हम जो बटर पेपर लगाया था उसमें डाल देंगे। उसमें डालने के बाद अच्छे से फैलाना है। वो फैलाना कितना है, जितना हमें थिक चॉकलेट चाहिए, जितनी भी थिक चाहिए उसी हिसाब से हमें फैलाना है। पतली चाहिए तो पतला पतला रखना है लेयर इसका, और थोड़ी ज़्यादा मोटी हमें चाहिए तो हमें उसको कम फैलाना है, पतला पतला नहीं फैलाना, उसकी लेयर जाड़ी रखनी है, मोटी रखनी है। बच्चे लोग और कुछ खाए या ना खाए मगर ये चॉकलेट तो खाएंगे ही, उसकी फेवरेट होती है चॉकलेट, तो ये चॉकलेट तो खुशी खुशी खाएंगे। और इसमें हमने ड्राई फ्रूट भी डाला है तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। वो क्या है ना, नीजू को मैंने जो कल खिलाया था वो प्रोटीन बार, तो वो भी उसने नहीं खाया, और ड्राई फ्रूट चिवड़ा खिलाया तो वो भी उसने नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो चॉकलेट में डाल के उसको दूंगी तो थोड़ा सा वो खाएंगी, तो इसीलिए आज मैं चॉकलेट बनाई तो आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी चॉकलेट की रेसिपी, और मैंने एक दो मोल्ड में भी बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो नीचू स्कूल से आ गई है और उसको सरप्राइज़ मिला चॉकलेट का, तो चॉकलेट देख के तो वो खुशखुशाल हो गई है, हैप्पी हो गई है। तो मैंने बोला चलो पहले चेंज कर लो बाद में देती हूँ। और ये मोल्ड वाला चॉकलेट देखो, ये मोल्ड में भी मैं अंदर मैंने प्रोटीन बार रखा है, ऊपर से चॉकलेट का कवर किया है। और अगला देखो नीचू वीडियो बना रही है, मस्त बना रही है। ये देखो हार्ट शेप की चॉकलेट,
उची पकड़ उची देखै छी हम वीडियो उतारू छू ए मासी क्या बोल रही है क्या बना रही है बोलो तुम बोलो आज बनने वाले हैं मासी चॉकलेट और मैं वीडियो तो उड़ा रही हूँ और छे ना आई भूल गई हेलो गाइस बोलो तुका चॉकलेट और ये मोल्ड की चॉकलेट देखो कितनी अच्छी लग रही है और ये भी जम गई है और क्रंची हो गई है क्रंची करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखी थी ये જોઈ છે હજી વાર લાગશે જામેલી છે ઓગળવા દે થોડી હેપી હેપી થેન્ક યુ મમ્મા વેલકમ નાઈસ બાઈટ કર જે હતી અંદર સે ક્યાં નીકળા અંદર સે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નીકળા યમ્મી યુ લાઈક ઇટ આઈ લાઈક ઇટ યા યા તો નીચુ કો લેકે મુજે જાના હે દોપહેર કે બાદ કહી બહાર જાના હે તો મેને ઉસકો બોલા કે હોમવર્ક અપના ફિનિશ કર તો વો અપને આપ અકેલી અકેલી હોમવર્ક કરને બેઠ ગઈ દેખો મેને ચુપકે સે વિડિયો બનાયા